हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, 10 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके 3 दिन में 20 संदूक बनाते हैं, तो 24 व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके 6 दिन में कितने संदूक बनाएंगे। आप लोगों ने ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, बार बार पढ़ो। 10 व्यक्ति हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था पीछे, एम डी एच सूत्र पढ़ा था, जिसे हमने MDH फॉर्मूला के नाम से पिछली वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या इसी मेथड है। देखो MDH सूत्र है, तो आपको इस फॉर्मूले से आपको M1 यानी कि वो 10 हो गया, 12 घंटे बोलना है यानी कि H1 की वैल्यू 12 हो गई, 3 दिन यानी कि D1 की वैल्यू 3 हो गई, और 20 संदूक बनाते हैं यानी कि वर्क हमारा 20 संदूक बनाते हैं, तो W1 की वैल्यू 20 हो गई यहाँ से। ठीक है, M2 की वैल्यू 24 हो गया है, ऐसे 4 घंटे हैं तो यानी कि H2 की वैल्यू 4, D2 की वैल्यू 6 हो गई, यानी कि हमें W2 हमें निकालना है। ऐसे 24 व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके 6 दिन में कितने संदूक बनाएंगे, तो हम MDH सूत्र से करेंगे। MDH सूत्र क्या होता है, M1 D1 H1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन में W2। अब आपके लिए पता है प्यारे बच्चों, M1 की वैल्यू है 10, D1 की वैल्यू है 3, H2 की वैल्यू है कितनी है 12 है। ठीक है, और वर्क आपका है 20 यहाँ पे, M2 की वैल्यू 24, D1 की वैल्यू 6, H2 की वैल्यू 4, W2 हमें फाइंड करना है। तो देखो क्या इसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे इसे। देखो 6 बन जा 6 टू जा 12 हो गया, यहाँ से 2 1 जा 2 2 जा 4 कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3 8 जा 24 कैंसिल कर दो, 2 4 जा 8 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 4 जा 20 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा प्यारे बच्चों, 1/4, यहाँ पे बचा 4 अपॉन W2 यानी कि W2 यहाँ पे बचा 8, 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, 4 2 जा 8, अब आपको W2 निकालना है, तो यानी कि 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी एंड W2 आपका इधर चला जाएगा, 4 8 जा 32 हो गया यहाँ पे, यानी कि आपका जो 32 संदूक आप बनाएंगे, कितने संदूक बनाएंगे, 20 संदूक बनाते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकेंगे। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो MDH सूत्र से ही M1 की वैल्यू आपकी यहाँ पे 12 हो जाएगी, जो 12 है। ठीक है, और 12 केले हैं ये हमारा W1 का कार्य करेगा यानी कि W1 12, 12 मिनट है ये आपका क्या चलेगा, H1 चलेगा आपका यानी कि टाइम वाला, हावर वाला, 12 मिनट में खा सकते हैं। तो 4 बंदर हो गए वो आपका M2 का काम करेगा, 4 हो गया, 4 केले हो गए वो W2 का काम करेगा, यानी कि आपको H2 निकालना है प्यारे बच्चों इससे। तो देखो प्यारे बच्चों क्या होता है, M1 की वैल्यू 12 × 12 अपॉन में भी आपका 12 W1 दिया हुआ है, M2 की वैल्यू 4 होगी प्यारे बच्चों, H2 हमें निकालना है, W2 हमें 4 है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से देख लो क्या हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, H2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 12 निकल के आ गया, यानी कि आपको 12 मिनट लगेंगे, यानी कि 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकेंगे, तो 12 मिनट में खा सकेंगे प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि 12 बड़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में 460 कुर्सियां बना सकते हैं, तो 18 बड़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। ठीक है, SSC CGL 2015 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है भाई, MDH सूत्र से आप देखेंगे प्यारे बच्चों किस, तो कितने आसानी से होगा ये टिक से, आप M1 की वैल्यू 12 हो गई, 12 बढ़ी हैं, 6 घंटे दिए हुए हैं आपको, तो H1 की वैल्यू 6 लगा देनी है, 240 दिन दिया हुआ है यानी कि D1 की वैल्यू यहाँ से 240 हो गई यहाँ से प्यारे बच्चों, 460 कुर्सियाँ बना सकते हैं यानी कि आपका जो वर्क हो गया यानी कि W1 हो गया कितना, 460। अब आपको 18 बढ़ रही हैं यानी कि ये आपका M2 का काम करेगा प्यारे बच्चों, M2 की वैल्यू हो गई 18 और 8 घंटे यानी कि ये H2 की वैल्यू हो गई आपकी 8, प्रतिदिन काम करके 36 दिन में यानी कि D2 की वैल्यू हो गई
36। तो आपको प्यारे बच्चों डब्लू टू निकालना है यहाँ से, कि यानी कि 18/8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे, ये हमें निकालना है। तो देखो प्यारे बच्चों कितनी आसानी से निकलेगा, बाय MDH सूत्र के द्वारा। M1 की वैल्यू है 12, H1 की वैल्यू है 6, D1 की वैल्यू है 240। ठीक है, 12 × 6 × 240 एंड W1 कितना है 460 = M2 की वैल्यू कितनी है 18 है, H2 की वैल्यू 8 है, W2 है 36। हमें W2 निकालना है यहाँ से। तो देखिए 6 बन जा, 6 3 जा 18, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3 से आपका 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपको W2 यहाँ पे क्या बचा, 1/46, इधर बचा आपका 3/W2। तो W2 = 3 × 46, 3 6 18 के 8 कैरी बाय 3 4 12 1 30, यानी कि 138 कुर्सियाँ आपकी बनेंगी। ठीक है प्यारे बच्चों।